Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espalar, myself Abhishek, and today is your day 14 and this is your assignment solution video. Solution video for the topics limits and continuity. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, व्हाट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव, फाइव माइनस एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या देगा आपको? तो आपको अगर याद होगा कि आपने एक मॉडुलस फंक्शन किया हुआ है, यहाँ पे मॉडुलस कंडीशन है तो मॉडुलस फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे. मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है बच्चे, कि अगर आपके पास x लेस देन आर इक्वल टू जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस x के इक्वल होगा, और x ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x x के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ नोटिस करता हूँ, x अप्रोचेस टू फाइव है. अप्रोचेस टू फाइव में हमारे पास दो कंडीशन होती है. कौन कौन सी कंडीशन होती है बेटा? एक होता है लिमिट x अप्रोचेस टू फाइव नेगेटिव, और एक होता है लिमिट x अप्रोचेस टू फाइव पॉजिटिव. दो कंडीशन होती हैं. फाइव नेगेटिव क्या हो जाता है, ये लेस देन फाइव वाली कंडीशन आती है, ये ग्रेटर देन फाइव वाली. तो फाइव नेगेटिव इज़ लेस देन फाइव. तो अगर हमारे पास कंडीशन लेस देन फाइव है, फाइव नेगेटिव है तो मीन्स फाइव नेगेटिव इज लेस देन फाइव. लेस देन फाइव है तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू फोर मैं ले लेता हूँ, जनरली मैं वैल्यू ले रहा हूँ, दैट इज़ 4.9 आप लोग ले सकते हैं, विच इज़ लेस देन फाइव. लेस देन फाइव है तो जब आप यहाँ मॉडुलस कंडीशन में इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4. तो दिस इज़ नेगेटिव ऑफ 0.1. अब यहाँ पे आप मॉडुलस अप्लाई करोगे, तो जब यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई होगा बच्चे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव में. अब यहाँ पे कोई जादू तो हो नहीं रहा, मैजिक तो हो नहीं रहा कि आपके पास मॉडुलस अप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव में. तो क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑफ 0.1 के साथ क्या हो रहा है बच्चे, एक नेगेटिव कंडीशन मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट आपके पास 0.1 आ रहा है. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव नेगेटिव है, किसके इक्वल है बच्चे, फाइव नेगेटिव, तो ये जो फाइव माइनस एक्स है ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस फाइव है तो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस फाइव आ जाएगा. लेस देन जीरो के लिए यही कंडीशन रहेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव नेगेटिव. तो आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा फाइव माइनस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी फाइव माइनस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो रिजल्ट कितना बन जाएगा बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू फाइव नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ वन रह जाएगा तो रिजल्ट आपके पास वन है. तो लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई बच्चे, वन के इक्वल. राइट लिमिट देख लेते हैं बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू फाइव पॉजिटिव, f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, कंडीशन आपके पास फाइव माइनस एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस फाइव. अब ग्रेटर देन फाइव है तो x अप्रोचेस टू क्या होगा, x अप्रोचेस टू फाइव पॉजिटिव है. फाइव पॉजिटिव का मतलब है कि x आपके पास जो वैल्यू ले रहा है वो ग्रेटर देन फाइव है. ठीक है, ग्रेटर देन अगर फाइव वैल्यू है तो अगर आप x मॉडुलस ऑफ x माइनस फाइव है तो अगर आप x माइनस फाइव करते हैं तो रिजल्ट 0.1 आएगा. दैट मीन्स इसको अगर आप मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो मॉडुलस अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो 0.1 ही आएगा. तो आपके पास यहाँ पे मॉडुलस की कंडीशन क्या है, कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव है बच्चे तो ये 5 माइनस एक्स है, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस फाइव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव कंडीशन नहीं बनेगा क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा. तो लिमिट आ गया बच्चे x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, तो दिस इज योर 5 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो ये भी 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव विच इज़ योर माइनस वन, तो रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस वन. ठीक है, तो दिस कंडीशन इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू. अब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है बच्चे, लिमिट की बेसिक कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट लिमिट अगर आपके पास राइट लिमिट के इक्वल होता तभी लिमिट एग्जिस्ट करना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों कंडीशंस इक्वल नहीं है क्योंकि लेफ्ट लिमिट आपके पास 1 के इक्वल आई है और राइट लिमिट माइनस 1 के इक्वल, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है. तो ये आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इसको करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। यहाँ पे मॉडुलस कंडीशन था, लेकिन ये 0.0 फॉर्म ही बनता है, लेकिन मॉडुलस कंडीशन था, तो इसलिए हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉडुलस अप्लाई करेंगे तभी काम चलेगा। इस कंडीशन को देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन करते हैं, क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, तो एक्स 9-1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 3-1। अब यहाँ पे मॉडुलस कंडीशन नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 रेज टू पावर 9-1 अपॉन 1-1 क्यूब, तो 1-1 आ जाएगा, विच इज 0.0। ये 0.0 फॉर्म बन गया, तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। दोनों हम मेथड चेक कर लेते हैं। यहाँ आ गया पहले आपका एल हॉस्पिटल, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ये आ जाएगा 9x raised to power 8 अपॉन 3x square, ये 3 और 3 9, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो दिस इज 3x raised to power 8 dot x raised to power -2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये कितना आ जाएगा सर 3 and x raised to power 6, तो x अप्रोचेस टू 1 करोगे तो 1 raised to power 6 equals to 3, आंसर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ये एल हॉस्पिटल से कर लिया। फैक्टराइजेशन कैसे होगा बेटा, फैक्टराइजेशन अब कैसे करेंगे, ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन x raised to power 9-1 अपॉन x³-1, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ (3)-1 अपॉन x³-1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर लीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर 1² अपॉन x³-1। तो ये जो x³-1 है और ये x³-1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू यहाँ पे लिमिट है आपके पास एक्स अप्रोचेस टू वन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लिमिट साथ साथ में चलेगा, लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू वन, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, कंडीशन रह जाएगी x³ + x² तो अब 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 1 raised to power 6 + 1 raised to power 3 + 1² 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो रिजल्ट 3 है। अब जिस मर्जी तरह से सॉल्व कीजिए, अल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिए, 0.0 फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, आप उसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन बच्चे आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा बच्चे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स है ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना है एक्स माइनस वन। तो बच्चे फार्मूला ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ होल अपॉन हो जाएगा, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो आप इस कैसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन विच कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस, तो 1/2 को आप लोग कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो यहाँ अप्लाई होने नहीं वाला, तो वैल्यू कितना रह जाएगा बच्चे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, क्योंकि माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रह जाएगा एक्स माइनस वन।
तो यहाँ अप्लाई कर लीजिए 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये आ जाएगा बच्चे आपके पास e रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ठीक है, लिमिट हमने इसके साथ दोनों के साथ आप सेपरेट लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। सेकंड लिमिट आ जाएगा बच्चे प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 e रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन ध्यान से देख लीजिए बेटा। कंडीशन क्या है बच्चे कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x किसके इक्वल होगा बच्चे, log a के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप याद में रखिए। ठीक है, क्योंकि ये बनता है, अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये 0/0 फॉर्म बनता है, x रेज टू पावर 0 माइनस वन अपॉन 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस वन अपॉन 0 बनेगा, तो ये 0/0 फॉर्म बनता है अगर आप इसको वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखिए ए रेज टू पावर x, ए रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वन। ठीक है, ए रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x सेम ही है, तो ये log a के इक्वल आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2, दिस इज योर log ऑफ a प्लस यहाँ पर b है, सॉरी ये b है, तो ये बन जाएगा log ऑफ b। अब ये log a प्लस log b है तो ये log a b आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से एक आ जाएगा 1/2 log ऑफ a b, ऑप्शन b इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब फंक्शन जो गिवन फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है। कंडीशन क्या है, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x किसके इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x के इक्वल है, इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ये सारी कंडीशंस आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k का कितना वैल्यू है बच्चे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल है और ये एफ ऑफ 0 के इक्वल है। एफ ऑफ 0 क्या है, जब फंक्शन 0 x 0 के इक्वल होगा, एफ ऑफ x किसके इक्वल है, ये तो k के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हम फाइंड आउट करें। ठीक, आपको चाहिए k का वैल्यू, उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्योंकि किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन कंटिन्यूस है। तो अगर ये इक्वल होना चाहे तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो जीरो नेगेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 वैल्यू ली जा रही है। जीरो नेगेटिव का क्या मतलब होगा, लेस देन 0 मतलब आप 0 में कुछ माइनस करेंगे तभी कंडीशन लेस देन 0 हो पाएगा, तो 0 माइनस h कर लिया, तो ये आ जाएगा बच्चे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस h। तो अब x का वैल्यू था वो लेस देन 0 था, अब x जो वैल्यू ले रहा है बच्चे वो कितना है, माइनस h। अब माइनस h डेफिनेट सी बात है कि लेस देन 0 है, तो इस केस में f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 1/4। तो f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/4, लेकिन x का वैल्यू कितना है, माइनस h, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ h प्लस 1/4। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ, तो माइनस 2h प्लस 1/4 हो जाएगा। तो h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो h का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1/4, तो ये आ गया बच्चे 1/4 के इक्वल नेगेटिव f ऑफ x। जीरो नेगेटिव किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1/4 के। जीरो पॉजिटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जीरो पॉजिटिव क्या आ जाएगा, तो जीरो, अब आप ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया, अब आप इसको शॉर्टकट में ध्यान दीजिए कि जीरो माइनस एच एच ही रहेगा, या जीरो प्लस एच करेंगे तब भी एच ही रहेगा, लेकिन एच भी अप्रोचेस टू जीरो होगा। तो एक्स का जो वैल्यू है बेटा, एक्स का वैल्यू रिप्लेस होकर जीरो प्लस एच सब्सटीट्यूट किया जाएगा, लेकिन एच का लिमिट भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। तो कंडीशन डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है बेटा, तो दिस इज योर
एक्स प्लस वन अपॉइंट टू होल स्केयर, एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव, दैट मीन एक्स तो जीरो होने ही वाला है, तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू होल स्केयर विच इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर। ये कंडीशन भी वन अपॉइंट फोर आ गया, तो के का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉइंट फोर के इक्वल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ रेज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, चेक द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू, डेरिवेबल एट एक्स। तो डेरिवेबल की कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे, कोई डेरिवेबल हमने नहीं किया, हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूस चेक करना है। कॉन्टिन्यूस है भी है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लेकिन कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करना है हम कॉन्टिन्यूस पे बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कंडीशन क्या है बच्चे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए, फिर वही है कि कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, कि अगर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो के। अब यहाँ पे फंक्शन में अगर आप एक्स इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना होगा, ई रेज टू पावर माइनस इंटू जीरो, एनी थिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आ गया बच्चे आपके पास वन। ठीक है, अब इन सभी की बारी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, जीरो नेगेटिव लेस देन जीरो है तो यहाँ पे जीरो माइनस एच आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। कंडीशन क्या है, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स आएगा। तो ये अब लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, जीरो माइनस एच, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चे, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स के, पहले भी किया हमने। और x अगर लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ x के इक्वल है, और x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x x के इक्वल है बच्चे। तो अगर x लेस देन जीरो है तो मॉडुलस ऑफ x ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, कंडीशन है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ x के। अब माइनस ऑफ एक्स और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यहाँ पे एक्स रह जाएगा, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो आप इसको कर सकते हैं, विच इज़ लिमिट, अब इसको डायरेक्ट जीरो माइनस एच करेंगे, एक मैं आपको करके बता देता हूँ, एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू पावर जीरो माइनस एच, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस एच, तो ई रेज टू पावर जीरो एच अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो ये वन ही आएगा, तो लेफ्ट लिमिट भी वन आ गई। अब राइट लिमिट आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, आपको पता है कि एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच सब्स्टिट्यूट की जाएगी, जीरो प्लस एच करेंगे तो एच ही रहेगा, तो ई रेज टू पावर एच, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ई रेज टू पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप इसको माइनस ऑफ एक्स भी रख सकते हो, क्योंकि जब मॉडुलस ऑफ एक्स है ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स ही रहेगा, तो एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो ई रेज टू पावर जीरो आएगा बच्चे वन। तो ये सारी कंडीशन इक्वल आई हैं बच्चे, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ओनली ए रखिए आप लोग, हम डेरिवेबल चेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, फॉर एक्स लेस देन वन के लिए फंक्शन का वैल्यू है आपके पास ए प्लस बी एक्स, एक्स इक्वल्स टू वन के लिए फंक्शन है बच्चे फाइव, एंड एक्स ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन है आपके पास बी माइनस ए एक्स, इज कॉन्टिन्यूस एट वट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपके पास कॉन्टिन्यूस क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू वन इज कॉन्टिन्यूस, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है बेटा तो क्या होना चाहिए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के, और ये एफ ऑफ वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अगर ये एफ ऑफ वन के इक्वल है बेटा, तो एफ ऑफ वन जब है तो एफ ऑफ वन का मतलब होता है कि बच्चे x का वैल्यू आपने पर्टिकुलर वन सब्स्टिट्यूट किया, जब x का वैल्यू वन है तो एफ ऑफ एक्स फाइव के इक्वल है बेटा, तो एफ ऑफ वन के लिए ये फाइव के इक्वल। अब वन नेगेटिव के लिए आ जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, वन नेगेटिव मतलब, वन नेगेटिव का क्या मतलब है, x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव मतलब x जो वैल्यू ले रहा है बच्चे वो लेस देन वन है, लेस देन वन कैसे मिलेगा,
जब आप एक्स में कुछ वन में कुछ माइनस करोगे, तो आपने एक्स का वैल्यू जो कंसीडर किया वो लेस देन वन था, तो ये आ गया लिमिट। अब एच जो यहाँ पे माइनस होगा वो ग्रेट लेस देन जीरो, मतलब अप्रॉक्सीमेट जीरो होगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ वन माइनस एच है, तो एक्स को रिप्लेस किया जाएगा बच्चे वन माइनस एच के साथ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इस केस में किसके इक्वल है, ए प्लस बी एक्स के, और यहाँ पे एक्स क्या है वन माइनस एच, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू वन माइनस एच। एच अप्रोचेस टू जीरो होगा, एच किसको अप्रोच करेगा बच्चे जीरो को, तो ये कंडीशन तो जीरो हो जाएगी, वन माइनस जीरो इज़ वन, तो वैल्यू रह जाएगा ए प्लस बी। तो वन नेगेटिव किसके इक्वल आ गया बच्चे, वन नेगेटिव आ गया आपके पास ए प्लस बी के, ठीक है। अब आपके पास वन पॉजिटिव भी तो लेना है, एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब वन पॉजिटिव किसके इक्वल होता है बच्चे, दैट मीन्स फंक्शन किसके इक्वल है, वन प्लस एच, ठीक है। वन पॉजिटिव का यही मतलब है बच्चे, अगर एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव का मतलब है कि ये ग्रेटर देन वन है, दैट मीन एक्स जो वैल्यू लेगा वो ग्रेटर देन वन लेगा। तो ग्रेटर देन वन कैसे होगा, जब वन में कुछ ऐड करेंगे, जब वन में कुछ ऐड किया आपने, तो एच की कंडीशन क्या है बच्चे, जो चीज़ ऐड होगी वो भी मिनिमम ऐड होगा, अप्रॉक्सीमेट जीरो होना चाहिए। तो आपने क्या किया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो आ गए। अब ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन फंक्शन के लिए फंक्शन है बी माइनस ए एक्स, तो बी माइनस ए एक्स कंडीशन है। तो इस केस में एक्स कितना है, वन प्लस एच, तो एक्स को रिप्लेस कर लिया जाएगा वन प्लस एच के साथ, तो बी माइनस ए इंटू वन प्लस एच। अब आपको यहाँ पे पता है कि एच तो आपका जीरो होने ही वाला है, क्योंकि एच अप्रोचेस टू जीरो, एच जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन, तो वैल्यू रह जाएगा बच्चे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी माइनस ए। तो ग्रेटर देन वन के लिए आ गया बच्चे बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गया बी माइनस ए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए प्लस बी भी आपका फाइव के इक्वल है, बी माइनस ए भी आपका बच्चे फाइव के इक्वल है। तो आप इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू टेन, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाइव। तो बी का वैल्यू आ गया बच्चे आपके पास फाइव, ठीक है बेटा। अब बी का वैल्यू आ गया आपके पास फाइव, तो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, बी का वैल्यू आ गया फाइव, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि ए प्लस बी किसके इक्वल है, तो बी फाइव कर लीजिए, 5 एंड 5 कैंसिल करेंगे तो ए जीरो आ जाएगा। कंडीशन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के किस वैल्यू के लिए आपके कंडीशन सेटिस्फाई, ए जीरो बी इज 5, सो वैल्यू इज योर 5, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल है बच्चे, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। तो बच्चे फंक्शन है आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 के इक्वल, ठीक है बेटा। तो कंडीशन है कि आपको अगेन डेरिवेबल या कॉन्ट्रेस चेक करना है, तो फंक्शन आपका हमें डेरिवेबल अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेबल हमने नहीं किया, हम कॉन्ट्रेस पे बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रेस ही चेक करेंगे। तो कंडीशन अगेन मॉडुलस है बेटा, ठीक है। तो आपको बताना कि ये फंक्शन कॉन्ट्रेस है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्ट्रेस कब हो सकता है, कि आपके पास लिमिट जो है बच्चे वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के, और ये कंडीशन एफ ऑफ वन के इक्वल होना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। अब लेस देन वन और ग्रेटर देन वन आई, आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे मॉडुलस कंडीशन अप्लाई है, मॉडुलस कंडीशन का क्या मतलब होता है बच्चे, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स जो है बच्चे वो मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल है बेटा। और मॉडुलस ऑफ एक्स कब आता है बच्चे, जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एक्स, एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है बच्चे। तो सिंपल सा कंडीशन है कि अगर आपको इक्वल्स टू वन चेक करना है, ठीक है, तो अगर आप लेस देन वन कंसीडर करेंगे, वन नेगेटिव, तो लेस देन वन मतलब क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव। वन नेगेटिव का क्या मतलब है कि वन माइनस एच, दिस इज लेस देन वन, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं 0.9 लेता हूँ, 0.9 माइनस 1 करूँगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो अब यहाँ पे लेस देन 1 के लिए कुछ कंडीशंस आपके पास नेगेटिव भी आएंगे,
ठीक है बच्चे, तो वन नेगेटिव, अब लेस देन वन चाहिए आपको, तो लेस देन वन के लिए मॉडुलस तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 0.9 समथिंग इज ऑब्वियस। तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव, तो लेस देन वन के लिए आपके पास कंडीशन यही रहेगी, लेस देन वन के लिए भी है, ग्रेटर देन वन के लिए भी है। तो दिस इज योर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स माइनस, लेस देन वन क्या आ जाएगा बच्चे, लेस देन वन 0.9 समथिंग, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे, दिस इज वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वन पॉजिटिव करेंगे बच्चे, वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव के लिए भी, ग्रेटर देन वन के लिए भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन। तो जब यहाँ वन माइनस एच करेंगे बच्चे, वन प्लस एच आपके दिमाग में होगा, वन माइनस एच एंड वन माइनस एच, वन प्लस एच क्यों नहीं कर रहे, वन माइनस एच करूँ या वन प्लस एच करूँ बच्चे, वन और वन तो कैंसिल होंगे ही, एच तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन हम इसको जीरो कर लेंगे, वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन प्लस एच नहीं करेंगे, तो वन माइनस वन जीरो है। तो आपके पास ये दोनों कंडीशन इक्वल है, ये कितना आ गया बच्चे, जीरो, ये भी जीरो। अगर मैं डायरेक्ट वन सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन का मतलब है कि एक्स में इक्वल्स टू वन सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एफ ऑफ वन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, मॉडुलस ऑफ वन माइनस वन, तो वन माइनस वन इज जीरो, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये रिजल्ट आपका जीरो है, आपका बच्चे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ओनली वन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे बच्चे आपके कुछ PYQs, आज के लिए इतने रखते हैं बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास, इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, क्वेश्चन देखिए सारे लेटेस्ट हैं, दिस इज योर फॉर 2021, ज़्यादा पुराना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये 2021 से है, ये 2020 से, 2019 स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे, ये 2023 थे, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, बाकी क्वेश्चन और भी आपके पास आएंगे, तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास बच्चे।